हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। तो इसके लिए हम कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें घी डालेंगे। अब हमारा घी गरम हो चुका है तो हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे बस हल्के भूनना है ताकि हमारा इसका कलर भी चेंज ना हो और हमारी सूजी भी सिक जाए। तो इसलिए हमें इसको धीमी आंच पर सेकना है। हमें सूजी को धीमी आंच पर ही सेकते रहना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और 1 कप सूजी के लिए हमने 1/4 कप घी लिया है। अब हमें सूजी सेकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट मिलाएंगे। ये हमने 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, इसको भी सूजी के साथ ही सेक लेंगे। और इस वक्त ही हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर 8-10 काजू और 8-10 बादाम लिए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़े से पिस्ता भी लिए हैं, ये भी 8 से 10 ही हैं जिन्हें मैंने चाकू से कट कर लिया है। इन्हें भी हम सूजी के साथ सेक लेंगे। हम ड्राई फ्रूट्स के साथ भी सूजी को 2 मिनट और सेकेंगे। और अब हम इसमें 2 इलायची कूट कर मिक्स करेंगे। इससे लड्डू में खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो अब हमारी सूजी अच्छे से सिक चुकी है और हल्का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें हम 1 कप मलाई ऐड करेंगे। और इस टाइम पर ही हम इसमें 1/2 कप चीनी का पाउडर मिक्स करेंगे। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी ये मिक्सचर गर्म है तो इसमें अच्छे से चीनी मिक्स हो जाएगी और फिर ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बांधेंगे। आप इसमें अगर लड्डू बनने में दिक्कत हो तो आप इसमें थोड़ा सा 2-4 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हैं, या फिर और अगर मलाई है फ्रेश तो हम और मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अब हमारा मिक्सचर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें 10-15 किशमिश भी ऐड करेंगे। हमने ये उस वक्त ऐड नहीं किए थे सेकते वक्त, अब हम लड्डू बनाते हैं इनको मिक्स करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हम पहले अपने हाथों पर घी लगा के हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। आप अपनी मनपसंद साइज से बना सकते हैं, छोटे या बड़े। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सूजी मलाई के लड्डू बनकर तैयार हैं।